आते समय इतना ट्रैफिक था रिंग रोड पे कि पर भाभी जी फ्लाईओवर बन जाने के बाद से ट्रैफिक कुछ कम हुआ है ना? ए भाई साहब, नए फ्लाईओवर बन रहे हैं तो गाड़ियां भी तो बहुत पड़ रही है ना। ये बिल्कुल सही कहा आपने त्रिपाठी जी। हाँ सर, सच में ये अपने पड़ोसी है ना शर्मा जी, अरे कल एक और नई गाड़ी लेकर आ गए। ए बंदर सतप, अगर आप लोगों को हम आपके हाल में छोड़ देना तो आप लोगों थोड़े ही देर में बीमा के कागज निकाले उनके बारे में भी चर्चा करें। शहरी बुजुर्ग है सबके सब। बुजुर्ग? अरे बुजुर्ग किसको कह रही है तू? आपको, 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 मैं आपको और आपको। लो भाई। अरे कुलडूट, मुझे क्यों लपेट रही हो? मैं नहीं लपेटी है। अरे अभी ब्याह हुआ है ना आपका, पर देख के लगा था कि ब्याह हुए रे 20 बरस पहले और अभी 6 बच्चों का बोझ लेके घुमाते हैं। अरे थोड़ा मुस्कुराइए, ब्याह हुआ है आपका? ये घर में घी के दिए जले के चाहिए और क्या होता है ट्रैफिक लाइट जलता है बस। इमलिया, कैसे बातें कर रहा था तू? कछु कहत काहे नहीं? अरे तोरे सिवा और कौन के बुरा तो नहीं लागत है। अरे देख तो अपनी बिटिया के रंग। देखो मैं तो हमेशा से इमली के साथ ही थी। इमली तू बोल, हम सबकी सहरी बकैती तो हो गई है टोटल फेल। तू अपनी पगडंडिया साइड में कुछ कर दे। अम्मा दद्दा सुने कि नहीं, ये लोगन पगडंडिया को ललकारत है, हमरी मिट्टी को ललकारत है। तो तू भी दिखा दे बिटिया कि मिट्टी उड़ के जब माथे पर लागत है तो तिलक बन जाते है। चल उठा बलप्पा, अब ही आवत है। अरे संभाल के, अच्छा धीरे। पता नहीं क्या नया करने वाली, कहाँ गई लड़की? इलो दद्दा। अरे नहीं बिटिया, हम ना बजाए बड़े। ऐसे कैसे नहीं बजाई हम? पूछत नहीं है, कहा था आपसे आप बजाएंगे ढोल। दिखा दो। अपनी बिटिया के ससुरवाला की कैसे लागत है बिट्टी? वैसा नहीं, जैसन सर्दी में अलाव के पास बैठकर लागत है। ठंड कम लगी है पर आंच लग जाए का डर भी होता है। अच्छा लगी है कि हमारी बिटिया का यहाँ इतना प्यार मिला, पर डर भी लागत है जब इन लोगों का पता चल जाए कि इमलिया इनकी बहू हो। तब भी लोग, तब तो इमलिया के और भी प्यार दिए हैं, तू देख ले। सत्यकाम, इस शहर ने हमका दुख दर्द और कड़वी यादों के सिवा कछु नहीं दिया, अरे ई शहर हमारी बिटिया का इतना प्यार परिवार और घर दिया। बस इनकी खुशियों को कौनों की नजर ना लग जाए। आज तेरे हंसने हंसाने का आखिरी दिन है लड़की,
आज के बाद इस घर की खुशियों को मेरी नजर लगने वाली है। हम लड़खड़ा गए, एक खातिर हम हाथ रखे और कुछ नहीं। ये औरत यहाँ इमली के साथ क्या कर रही है? क्या कनेक्शन है इन दोनों का? ना मालू फोन उठा रही है और ना ही त्रिपाठी इसके घर में कोई और। अब तक तो अनु वहां पहुंचने वाली होगी। पता नहीं उस घर को आज क्या आग लगा दे। इससे पहले कि वो मेरी बेटी आदित्य की फैमिली को कोई चोट पहुंचाए, मुझे उसे रोकना होगा। काफी मजा आ गया। अच्छा भाभी, वो पूजा का मुहूर्त निकल जाएगा, चले आरती करने आते हैं। मिठी, जेल से रिया भैया के बाद हम सीधा यहीं आ गए, पर डंडिया भी नहीं गए। प्रकाश और चंदू से फोन करके पूछे थे कि वहाँ सब ठीक तो है ना? इंडिया, तू कह रहे कि तू मालिनी जी से मिलवाए? हाँ कह रहे, और हम मिलवा दिए। बस कहे कि ना ईद बखत तो थोड़ा सा बिजी है, तो बाद में मिल। तुगा का लागत है, इतना सब कुछ जानने के बाद भी वो हमसे मिलने की चाहिए? अरे माम, तुमसे कहीं ना मालिनी दीदी बहुत ही प्यारी है, कहीं नहीं मिली तुमसे। तुम ऐसा ना बेवजह नर्भसिया हो मत अम्मा। अम्मा तो ये इमली की माँ है। ही वो औरत है जिसने मेरे देव को फंसाया है। इमली बेटा, बाहर घड़े पे नारियल रखा हुआ, हाँ प्लीज लेके आ जा पंडा जी का। और हाँ, सीधा मंदिर में ही लेके आना, हाँ पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ भैया, बता लाते अभी आइए ना। जी हटाओ। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? आप लोग अपने नौकरों को लिमिट में क्यों नहीं रखते? आप यहाँ? मैं वही हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हम यहाँ बिन बुलाए नहीं आए, हमका न्योता देकर यहाँ बुलाया गया है। श्योर श्योर, तो न्योता मिलते ही एक और घर बर्बाद करने चली आई तू? देखिए, हम आपको नहीं जाना थे, पर हमका लागत है कि आपका भी हमका पहचानने में कोनो धोखा हुई गवा। धोखा तो मुझे 20 साल पहले हुआ था, आज मैंने तुझे सही पहचाना है। तू वही है ना, देव चतुर्वेदी की रखेल? रखेल